नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में केमिस्ट्री के तीन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा होगी। पहली टॉपिक है वाष्पन, जिसे अंग्रेजी में इवेपोरेशन कहते हैं, संघनन जिसे अंग्रेजी में कंडेंसेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन जिसे अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वाष्पन क्या होता है। किसी द्रव का अपने क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। किसी द्रव का अपने क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे हम जानते हैं, जल जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलता है। ठीक है, वाष्प में बदलता है, लेकिन यदि हम जल को किसी थाली में या कहीं रख दें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के पहले ही वाष्प में बदल जाता है। तो यह प्रक्रिया होती है वाष्पन और यह प्रक्रिया होती है क्वथन। ठीक है ना, यदि हम 100 डिग्री पर इसको वाष्प में बदलेंगे तो क्वथन कहलाएगी, और ये जो प्रत्येक तापमान पर हो रहा है, क्वथनांक से नीचे 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडी में तापमान 10 होता है, 15 होता है, 25 होता है, तब भी पानी धीरे धीरे क्या होता है, वाष्प में बदलता रहता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है हम उसे कहते हैं वाष्पन, इवेपोरेशन। उदाहरण के लिए देखिए, प्रत्येक तापमान पर किसी द्रव के ऊपरी पृष्ठ से उसके अणु का मुक्त होकर वायुमंडल में चला जाना वाष्पन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, प्रत्येक तापमान पर किसी द्रव के ऊपरी पृष्ठ से उसके अणु का मुक्त होकर वायुमंडल में चला जाना वाष्पन कहलाता है। अब देखिए, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वाष्पन को कौन कौन कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। पहला, द्रव की सतह पर। यदि द्रव का सतह ज़्यादा फैला हुआ है तो वाष्पन की प्रक्रिया क्या होगी, तेज होगी। द्रव के सतह पर, यानी द्रव यदि किसी छोटे से जार में है तो उसकी वाष्पन की प्रक्रिया क्या होगी, उतनी अधिक नहीं होगी। यदि इसे हम किसी बड़े जार में रख दें जिसका मुंह चौड़ा हो तो वाष्पन की प्रक्रिया क्या होगी, अधिक हो। तापमान बढ़ाने पर भी वाष्पन अधिक होता है। आर्द्रता पर, अब आर्द्रता यानी नमी पर वाष्पन की प्रक्रिया धीमी होती है, ध्यान रखिएगा। वायु की गति पर, वायु की गति तेज है तो वाष्पन की प्रक्रिया क्या होगी, तेज होगी। ते हुआ वाष्पन के बारे में। अब चलते हैं, संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, इसको देखते हैं। तो देखिए, संघनन कंडेंसेशन, जब किसी पदार्थ का वाष्प ठंडा होगा, ठीक वाष्पन के विपरीत प्रक्रिया है। जब किसी पदार्थ का वाष्प ठंडा होकर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जब किसी पदार्थ का वाष्प ठंडा होकर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इस प्रक्रिया जो होती है इसे हम संघनन कहते हैं। अब देखिए उदाहरण इसका, जाड़े की रात में वायुमंडल का तापमान कम होने के कारण वायु में उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर पेड़ पौधों की पत्तियों पर बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम ओस कहते हैं। जाड़े की रात में आप देखते हैं, वायुमंडल का तापमान कम होने के कारण वायु में उपस्थित जल के जो वाष्प होते हैं संघनित, कंडेंस होकर, इकट्ठा होकर, ये आपस में जुड़कर पेड़ पौधों की पत्तियों पर बूंदों के रूप में इकट्ठा हो, कलेक्ट हो जाते हैं, और जिसे हम ओस कहते हैं। ये तो संघनन हुआ। अब अंतिम टॉपिक इसका है, तीसरी टॉपिक है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। बहुत अच्छी टॉपिक है, पूरा वीडियो देखें। चलते हैं सब्लिमेशन पर। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, हम जानते हैं यदि किसी ठोस को गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे तो वह द्रव में बदल जाएगी, और अधिक ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगी। यही प्रक्रिया है, हम जानते हैं। लेकिन यदि किसी ठोस को हम गर्म करें वह सीधे द्रव में ना बदले, सीधे ठोस से गैस में बदल जाए, तो ये जो प्रक्रिया संपन्न होगी उसे हम कहेंगे
उर्ध्वपातन सब्लिमेशन, यानी जब किसी ठोस को हम उष्मा दें, गर्म करें, तो वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? उर्ध्वपातन। अब देखिए इसकी परिभाषा आप इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को उर्ध्वपातन कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में यदि वो परिवर्तित हो जा रही है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सब्लिमेशन। उदाहरण देखिए, कौन से पदार्थ हैं जिन्हें गर्म करने पर सीधे हुए गैस में बदल जाते हैं? आयोडीन है, ठोस होता है, गर्म करेंगे सीधे गैस में। कपूर है, गर्म करेंगे सीधे गैस में। नौसादर है, गर्म करेंगे सीधे किस में बदल जाएगा? गैस में। ये हुआ उर्ध्वपातन। नमस्कार।